स्टूडेंट्स, हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इसी में आगे करेंगे। जैसे इसी का टॉपिक है वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको दिया रहेगा, बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो उसी को हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी इनटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, वेयर पी लाइज बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1। पी क्या होगा, लाइज करेगा 1 से 10 के बीच में, और n क्या होगा, इंटीजर होगा इंक्लूडिंग 10 एंड n इज एन इंटीजर, n क्या होगा इंटीजर होगा। इसको ऐसे समझते हैं, इसको लिख सकते हैं p इंटू 10 टू द पावर n, जहां p क्या है 1 और 10 के बीच में होगा, और n क्या होगा इंटीजर होगा। जैसे आपको मिलेगा 6 2 3 0 0 0, यह बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोग छोटा लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में p का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए पॉइंट अगर हम यहाँ देते हैं तो फिर 10 से बड़ा हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगर पॉइंट हम यहाँ देते हैं तो फिर 1 से छोटा हो जाएगा, होना चाहिए था 1 और 10 के बीच में, यानी 6.23। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसको हम 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो फिर 10 टू द पावर 11 मतलब 1 पर 11 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। हम मान लीजिए 7 2 0 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए लिखना है, तो पॉइंट अगर यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। पॉइंट अगर हम यहाँ देते हैं तो यहाँ दे नहीं सकते हैं, 72 हो जाएगा, जो 10 से बड़ा हो जाएगा। हमको लेना है 0 से लेके 1 से लेके 10 के बीच का नंबर, तो 7.2 अगर लेते हैं तो ये लाइन करेगा 1 से 10 के बीच में, और इस पर पावर क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म 0.00043, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको पॉइंट को हटाइए और इसके नीचे पॉइंट के बदले 1, और कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7। आप देखिए ये हो गया हमारा 43 बाय 10 टू द पावर 7। अब इसको हम एक्सप्रेस कब करेंगे, 2 2 4 2 6, 6 तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से और नीचे भी 10 से, इसमें 10 टू द पावर 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसको 10 टू द पावर 6 × 10 लिख सकते हैं, यहाँ पावर अगर 1 लिख दीजिएगा तो 10 टू द पावर 7 हो गया। अब क्या कर दिए कि 43 बाय 10 को एक साथ ले लिए और इसको 1 बाय 10 टू द पावर 6 ले लीजिए। अब इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4.3 × 10 टू द पावर -6, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा और क्वेश्चन रहेगा तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिखो, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, 2.59 × 10 टू द पावर 9 दिया हुआ है, इसको करा यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसको 2
0.59 मल्टीप्लाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 9 है यहाँ से 2.4259। अब देखिए 2 यहाँ से कैंसिल होगा क्योंकि पॉइंट को शिफ्ट किया है 2 डिजिट। अब बच गया 2, 2, 4, 2, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2.59 मल्टीप्लाई 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पॉइंट को उठा दिए तो उसके नीचे 1 और जितना आगे डिजिट है उतना 0। अब 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ से तो 2.59 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम लोग यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। जब यूजुअल फॉर्म में दिया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। इसी को कन्वर्ट कर देंगे फिर इसको देखिए अगर कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट आ जाएगा 2.59 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।